एंड वेलकम। सी आपका ये ट्रेन स्पोर्ट्स एंड प्लेटफॉर्म का एक नया क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया है जो फाइंड आउट करना है। देखिए टू ट्रेन्स लीव्स मॉस्को एंड द कजान सिटी सिमल्टेनियसली, यानी कि दो ट्रेन्स निकलती हैं ट्रेवल करने के लिए, एक मॉस्को सिटी से निकल रही है और एक कजान सिटी से निकल रही है। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोनों ट्रेन की आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है, ठीक है, कि एक 90 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चल रही है और एक 110 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। एंड व्हेन दे मीट, यहाँ पर एक लूप होल है, इसे बोले व्हेन दे मीट, यानी कि जब वो मिलती हैं तो ये बहुत ऑब्वियस है जो आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला कि वो पैरेलल चल रही है यानी कि सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपको खुद फाइंड आउट करना है, लूप होल है कि व्हेन दे मीट। सो द फास्टर ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 200 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 200 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करती है। तो फाइंड हमें डिस्टेंस करना है, यहाँ पे लिख भी रहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू सिटीज, यानी कि हमें दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए वी नो दैट कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन हमें यहाँ पर एक तो दोनों ही ट्रेन की स्पीड और टाइम निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे हम करते हैं, बट सम क्वेश्चन में अपीयर लाइक कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट साइट बट डोंट टेक स्ट्रेस, इसका सिंपल है कि हम इसके स्टैंडर्ड बेसिक्स पर ही फोकस करेंगे और उससे हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करेंगे, लेकिन दोनों ट्रेन का स्पीड इनटू टाइम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पे पहले टाइम निकाल लेते हैं दोनों ही ट्रेन का, और जैसे टाइम निकल जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे स्पीड, ठीक है। अब आपको पता है कि वन ट्रेन इज बेसिकली फास्टर देन द अदर, किस तरीके से, एक 90 था एक 110 था, ऑब्वियसली 20 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग उसने ज्यादा ट्रेवल किया है। तो सिंपल है 110 माइनस 90, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो आगे कि एक ट्रेन जो कि फास्टर जिसने ज्यादा ट्रेवल किया है, ठीक है, वन ट्रेन इज फास्टर देन द अदर, लेकिन आप देख सकते हैं जो फास्टर ट्रेन थी उसने 200 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर ज्यादा मतलब डिस्टेंस कवर किया है। तो उसको निकालने के लिए सिंपल आप 200 अपॉन में 20 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। तो 10 आवर्स आपका यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपली निकल गया। स्पीड देख सकते हैं, स्पीड के अंदर आपको देख सकते हैं कि स्पीड इसने दे रखा है 90 एंड 110, ठीक है, स्पीड आपको दे रखी है। तो यहाँ पर ट्रेन ए जो आपकी है और ट्रेन बी, ठीक है, यानी कि बोथ ही ट्रेन ट्रेवल्ड, जो दोनों ट्रेन की स्पीड है उन दोनों को ही कंबाइंड वे में रखेंगे और निकालेंगे 110 प्लस 90, ठीक है, किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड 200 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 2000 किलोमीटर हो जाएगा। 2000 किलोमीटर इज बेसिकली आपका आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दोनों सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2000 किलोमीटर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट स्टूडियो में मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो शेयर करें तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।